घर की घंटी बजी तो मैं खीज उठी। आज सुबह से कई बार घंटी बज चुकी थी, कभी दरवाजे की तो कभी टेलीफोन की। इस चक्कर में काम निपटाने में भी 12 बज गए। सोचा था टीवी के सामने बैठकर इम्तिहान से नाश्ता करूँगी, बाद में मूड हुआ तो जी भर के सोऊंगी या फिर रोशनी को बुलाकर उसके साथ गप्पे मारूंगी, मगर लगता है आज आराम नहीं कर पाऊँगी। दरवाज़ा खोला तो रोशनी को देख मेरा चेहरा खिल गया। रोशनी मेरे ओर ध्यान दिए बगैर सोफे पर जाकर पसर गई। भाई साहब से झगड़ा हो गया क्या? उसका उतरा चेहरा देखा तो मैं उसे छेड़ दी। मैं भी तो यही कहती हूँ, मगर इन्हें मेरी परवाह ही कब रही? मुफ्त की नौकरानी, घर चलाने को और क्या चाहिए? मैं जीऊँ या मरूँ उनसे क्या मतलब है? रोशनी की बात मेरे समझ में नहीं आई। 2 साल तेरे साथ 2 साल पहचान, मगर तूने देखते ही समझ लिया कि मैं परेशान हूँ। एक हमारे पति महादेव हैं, 10 साल से रात दिन साथ हैं, फिर भी मेरे मन की बात उनको तुम कोई बता दे। मेरे इतने कहते रोशनी तुनक कर का, हर बार मैं ही क्यों बोलूँ? उन्हें तो कुछ समझना चाहिए, आखिर मैं भी तो उनके मन की बात बिना बताए जान जाती हूँ। रोशनी की इस पैतरा बदलने को मजबूर कर दिया। बात तो सही है, लेकिन इन सबका इलाज क्या है? तुम कहोगी नहीं तो बिना कहे वो समझेंगे नहीं, फिर समस्या कैसे सुलझेगी? जब मैं ही नहीं रहूँगी तो समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। अब रोने के मूड में नज़र आने, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उसे मजाकिया अंदाज में पूछा। डूब मरूँगी कहीं किसी नदी नाले, मर जाऊँगी तभी मेरी अहमियत समझेंगे। उनकी आँख के मोटे मोटे आंसू के बरस होने लगे। यह तो कोई समाधान नहीं है, फिर लाश न मिले तो भाई साहब सोचेंगे तू किसी के साथ भाग गई। मैं बदनाम महिला की सहेली नहीं कहलाना चाहती। सोचने दो जो चाहे सोचे, कहने दो वह कह, मगर फिर संभल कर बोली, बात तो सही है, ऐसे में बड़ी बदनामी हो जाएगी। फांसी लगा लेती हूँ, कितने लोग फांसी लगा के मरते हैं, पर मुश्किल है। मैं उसका ध्यान खींच के फांसी लगाने पे जीभ और आंख लाल बाहर निकल आते हैं, चेहरा भयानक हो जाता है। सोच लो, बिना मेकअप किए रोशनी काम वाली के सामने भी नहीं आती, ऐसे में चेहरा भयानक हो जाने की कल्पना सोचते हाथ पांव ढीले कर लिए। बोली, फांसी के लिए गांठ बनानी तो मुझे आती नहीं, और कुछ सोचना पड़ेगा। फिर अचानक चहक कर बोली, तेरे पास चूहा मारने वाली दवा है, सुना है आत्महत्या के लिए बड़ी कारगर होती है, यही ठीक रहेगा। वैसे तो मेरी तेरी मदद करना मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सोच ले, चूहे खा के पानी के लिए तड़पते हैं, तू पानी के बिना रह लेगी? उसे की सेहत इस बात की गवाही थी कि भूख प्यास को झेल पाना उसकी बुद्ध की बात नहीं थी। रोशनी ने कतार दृष्टि से मुझे देखा, मानो पूछ रही हो अब क्या करूँ? छत से कूदना है, फिर नींद की ढेर सारी गोली खा के सो जाना। मुश्किल वक्त में रोशनी मदद करने से पीछे नहीं हट सकती थी। छत से कूदने पर हड्डी तो टुड़वाई जा सकती है, पर मरने कोई गारंटी नहीं है। गोली खाते मुझे उल्टी हो जाती है, रोशनी हताश हो गई। हर तकलीफ किसी न किसी मुद्दे पर आकर फेल होती जा रही थी। आत्महत्या करना इसका मुश्किल होते है तो कभी सोचा ही नहीं था। दोपहर के भोजन पर हमने नए सिरे से आत्महत्या की संभावना विचार करना शुरू किया। हताश रोशनी की आँखें फिर बरस पड़ी। मैंने उसे सत्तावना देते हुए कहा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, परेशान मत हो। रोशनी ने खाना खाया, बाद में 2 गुलाब जामुन आइसक्रीम भी ले ली, वरना उसे बेचारी को तो भूख ही नहीं थी। मेरी जिद के आगे मजबूर हो गई। चाय के दूसरे दौर तक पहुंचते मुझे विश्वास हो गया कि आत्महत्या प्रचलित तरीके से रोशनी का भला नहीं होने वाला। समस्या से निपटने के लिए नवीनतम दृष्टिकोण अपनाना ही पड़ेगा। रोशनी के मन की बात जानने की कोशिश, जिससे कहे सुने बिना उसके पति को समझाया जाना चाहिए। बहुत टाल मटोल के बाद झिझकते हुए उसने जो बताया उसका सार यह था कि 2 दिन बाद उसे भाई के साले की बेटी की शादी में जाना था, और उसके पास लेटेस्ट डिजाइन की कोई साड़ी नहीं थी, इसलिए 4 माह पर आने वाले जन्मदिन का गिफ्ट उसे एडवांस में चाहिए, ताकि पति की हैसियत के अनुरूप बंटवार कर सके। मायके में बड़े यत्न से मनाई गई पति की इज्जत खास बचाए। इस मुझे पति की क्रोध आने लगा। वैसे तो बड़े बड़े पति भक्त बनते हैं, पत्नी के मन की बात भी नहीं समझते। अरे शादी ब्याह तो नए कपड़े में ही पहने जा सकते हैं, अरे गिफ्ट तो काम करने से तैयार हैं, लोग तनख्वाह एडवांस मांगते झिझकते हैं, यहाँ तो गिफ्ट के एडवांस का सवाल है। भला एक सभ्य सांस्कृतिक महिला मुंह खोलकर कैसे कहेगी? पति को ही समझना, अगर मैं बातों बातों भाई साहब को तेरे मन की बात समझा दूँ तो कैसा रहेगा? अचानक आए इस ख्याल से उत्साहित हो उठी। असल में अपनी प्यारी सहेली को उसके पति की लापरवाही कर खो देने का डर मुझे भी सता रहा था। एक पल के लिए खिलकर उसका चेहरा फिर मुरझा गया और बोली, उन्हें फिर भी समझ नहीं आई तो? मैं अभी तो जवाब ढूंढ ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रोशनी के पति घबराए हुई आवाज़ में मुझे चौंका दिया। रोशनी
मेरे पास बैठी। हाँ हाँ एकदम ठीक है, मैंने उनकी घबराहट दूर की कोशिश की। मैं तुरंत आ रहा हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। कुछ पल भी न बीते थे दरवाजे घंटी बज उठे। दरवाज़ा खोला तो रोशनी के पति सामने खड़े थे। रोहित भी आते दिखाई दे गए, इसलिए मैं चाय का पानी चढ़ाने रसोई में चली गई और रोहित हाथ मुंह धोकर रोशनी के पति से बात करने लगे। रोशनी की समस्या का निदान है तो मैं बात का रुख सही दिशा में कैसे मोड़ूँ। सही इसी कसम में थी कि रोशनी ने पति के बैग से एक पैकेट निकाल कर खोला। कुंदन और जड़ी की खूबसूरत काम वाली शिफॉन की साड़ी को उसके बड़े प्यार से उठाकर अपने ऊपर लगा पूछा, कैसी लग रही हूँ, ठीक है ना? इस पर तो किसी की मन मचल जाए, बहुत ही खूबसूरत है। मेरी निगाह साड़ी पर चिपक गई थी, पूरे 28,000 की है। कल लोग केस में लगी देखी थी, उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली, तभी मुझे बिना बताए खरीद लाए। रोशनी की चहचहाहट से गर्व की झलक साफ दिख रही थी। यह है पति के रात दिन उंगली पर नचाती है, फिर भी मुंह खोलने से पहले पति मन चाहे बस दिला देता है। एक मैं हूँ रात दिन करती हूँ, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं। एक तनख्वाह लाकर दे देते हैं, सोचते हैं सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। साड़ी तो क्या कभी एक रुमाल तक लाकर नहीं दिया। तंग आ गई हूँ मैं इनकी लापरवाही से, किसी दिन नदी नाले में जाकर जान दे दूंगी, तभी अकल आएगी। मेरे मन का घड़ा फूट कर आंखों के रास्ते बहने को बेताब होने और अपनी आत्महत्या रोशनी से दोबारा सलाह।